तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद विनीत पाठक में। यूपी सरकार का बड़ा फैसला है, 3 महीने और बढ़ेगा फ्री राशन उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही आपको बता दें, 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया है किस राज्य में, ये भी जानेंगे। और साथ ही फ्री गैस सिलेंडर इसी दीपावली में लोगों को फ्री मिलने वाला है। कई बड़े वादे, कई बड़े ऐलान किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। और इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी लेखपाल भर्ती पर भी एक बड़ा अपडेट है। यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर भी नई जानकारी साझा की जाएगी आपके साथ। मदरसों को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। त्यौहार को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, कब मिलेगा आपके खाते में पैसा, ये सब कुछ बताने वाले हैं। और साथ ही साथ कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी नई जानकारी है। वेदर अपडेट है, अब बढ़ेगी गर्मी, पारा एक बार फिर से ऊपर जाएगा। क्या पूरा अपडेट, क्या पूरा जानकारी है, जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दिवाली से पहले अच्छी खबर है, मुफ्त राशन योजना को एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा, 3 महीने तक बढ़ा सकती है सरकार। आपको बता दें, भारत सरकार मुफ्त राशन योजना को दिवाली के बाद भी जारी कर सकती है। मामले से परिचित लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार अपने मुफ्त राशन कार्यक्रम को 3 महीने तक बढ़ा सकती है। सरकार अपनी इस खाद्यान्न योजना के तहत देश की अधिकांश आबादी को कवर करती है, यानी 80 करोड़ जनसंख्या को। सरकार के लिए इसकी लागत सालाना $18 बिलियन से अधिक रही है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार दिसंबर तक लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं देना जारी रख सकती है। मुफ्त राशन योजना इसी सितंबर को समाप्त हो रही है, ऐसे में दीपावली से पहले ही इसका बड़ा ऐलान होगा, जिसमें दिसंबर तक फ्री राशन का ऐलान केंद्र सरकार कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय ने मुफ्त राशन की योजना को जारी रखने का प्रस्ताव रखा है। खाद्य मंत्रालय का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब देश के वित्त मंत्रालय ने योजना को बंद करने की बात कही थी। वहीं उत्तर प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए 31 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। डीजीपी ने जारी किया है आदेश। दरअसल पत्र में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों में जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा को देखते हुए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टियों को स्वीकृति दी जाएगी। जी हां, त्योहारों को देखते हुए 31 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। इसके आदेश डीजीपी मुख्यालय ने जारी कर दिए हैं। डीजीपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान की ओर से ये सभी डीजी, एडीजी, पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस, सभी पीएसी की कंपनियों के कमांडेंट, जोन और रेंज के अफसरों को पत्र भेजा गया है। आज वहीं पर दुआ और राष्ट्रगान से शुरुआत होगी, अब 6 घंटे चलेगी क्लास। यूपी के मदरसों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश में अब मदरसे कुछ बदले बदले से नजर आने वाले हैं। यूपी के मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब यूपी के मदरसे 6 घंटे चलेंगे, यानी सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ही मदरसों में शिक्षण कार्य होगा। इतना ही नहीं, सुबह 9 बजे दुआ और राष्ट्रगान से मदरसे में शिक्षण कार्य की शुरुआत होगी। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने इस बाबत की जानकारी दी है। वहीं सीएम योगी की बड़ी सौगात यूपी न्यूज में आपको बता दें, दीपावली पर हर गरीब परिवारों को मुफ्त में मिलेगी एक गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के गरीब परिवारों को दीपावली पे एक गैस सिलेंडर का तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दीपावली पर गरीब परिवारों को एक सौगात देने जा रही है, जिसमें राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की है। हर परिवार को एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि होली दिवाली फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि होली में तो फ्री गैस सिलेंडर नहीं दिया जा सका, क्योंकि होली के बाद सरकार का गठन हुआ, लेकिन दीपावली से पहले अब सरकार अपने पूरे फॉर्म में है और दीपावली में फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। वहीं दोस्तों, यूपी बीएड काउंसलिंग के बारे में बता दें तो 30 सितंबर से पहले चरण में 1 से 75,000 रैंक के अभ्यर्थी होंगे शामिल। जनधन खाते में क्रेडिट सीमा के कारण शुल्क वापसी संभव नहीं होगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 30 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने नए काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वो फीस वापसी के लिए जनधन खाते का विवरण नहीं दे। विश्वविद्यालय ने 4 राउंड में काउंसलिंग कराने का फैसला किया है। अभी तक विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर रैंक वार काउंसलिंग का शेड्यूल अपलोड नहीं किया है, मगर यह लगभग तय है कि 30 सितंबर से शुरू होने वाले पहले चरण में से 1 से 75,000 रैंक तक अभ्यर्थियों को शामिल होना होगा। यह अभ्यर्थी 7 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकेंगे, 8 अक्टूबर तक कॉलेज का चयन होगा। वहीं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में आपको बता दे तो जी हाँ, पेंशन के आधार पर सत्यापन करा ले वरना नहीं मिलेगा पैसा। और आपको बता दे, पश्चिमी यूपी सत्यापन में सबसे आगे है। 53 लाख लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है। आधार प्रमाणीकरण का कार्य कराने से लाभार्थियों की पेंशन की धनराशि मिलने में सुविधा होगी। निकट भविष्य में लाभार्थियों के बैंक आधार सीडिंग खाते में धनराशि भेजी जा रही है, जिसमें बैंक का खाता अथवा IFSC कोड में परिवर्तन होने पर लाभार्थियों के पेंशन की धनराशि मिलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। और आपको बता दें, 1500 रुपए इसी अक्टूबर महीने में पेंशन धारकों को मिलेगा, चाहे वो दिव्यांग पेंशन योजना का हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना का हो। अगर आपका कई महीनों से पेंशन नहीं मिला है तो पूरा मिलाकर इकट्ठा दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले ये शर्त रखी गई है कि 30 सितंबर तक सभी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले अपना आधार प्रमाणीकरण जरूर करवा ले।
वहीं नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है, 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। जानिए सरकार ने किसे दिया है ये फायदा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के बाद अब सरकार ने राजस्व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को 1500 मासिक छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने पारा डेंटल नर्सिंग व फार्मेसी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को 1500 मासिक छात्रवृत्ति तय की है। अब तक मेडिकल छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन अब इन्हें भी मिलेगी। और इसके साथ ही नीतीश कुमार कैबिनेट ने राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो पद खाली थे उस पर नियुक्ति का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का भी ऐलान किया है, हालांकि अभी यह तय नहीं किया कि किसे मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप भी एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं तो जरा जान लीजिए, क्योंकि एलपीजी की राशनिंग होगी, क्योंकि महीने में 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा कोई भी गैस सिलेंडर। साल में अब केवल 15 सिलेंडर मिलेंगे। सरकार का कुछ नया निर्देश है जिसे आपको समझना चाहिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर के लिए राशनिंग झेलनी होगी। एक कनेक्शन धारक किसी भी सूरत में साल में 15 से अधिक सिलेंडर नहीं ले सकेगा। महीने में भी 2 से अधिक सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अभी तक घरेलू गैस सब्सिडी कनेक्शन धारक अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी रिफिल प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसमें अब बदलाव हुआ है। वितरकों ने बताया है कि इस राशनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। उक्त निर्णय में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह कदम उन शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है जिनमें यह कहा गया है कि घरेलू गैस सब्सिडी की रिफिलिंग कॉमर्शियल से सस्ती होने के कारण वहां उपयोग होने लगी थी। यानी जैसा कि आपको पता है कि घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता होता है और जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है महंगा होता है। ऐसे में जो कॉमर्शियल वाला काम करते हैं लोग, चाहे वो हलवाई का काम करते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट को चलाते हैं, तो वो अपने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को नहीं लेते, घरेलू गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल उसमें करते हैं। इससे वो चाहे जितनी गैस सिलेंडर बुकिंग कर ले रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सभी को महीने में 2 ही गैस सिलेंडर मिलेगा। तीनों तेल कंपनियों के उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव किया गया है। जो लोग सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनको साल में 12 सिलेंडर ही रेट पर मिलेगा। अतिरिक्त आवश्यकता पर उनको गैस सब्सिडी वाला सिलेंडर ही लेना होगा। इसमें राशनिंग की स्थिति है। योगी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है। जैव ऊर्जा और एमएसएमई की नई नीति समेत 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानिए अन्य क्या फैसले हैं। दरअसल योगी कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एमएसएमई नीति को भी मंजूर कर लिया गया है। मंगलवार को लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। लेखपाल रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन आपको पता होगा, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रिपोर्ट भेजकर ब्यौरा मांगा गया है। वहीं भर्ती मुख्य परीक्षा में अब तक प्रदेश भर में सॉल्वर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके साथ ही फोन कीजिए और घर पर आ जाएगा सुकन्या खाता खोलने के लिए डाकिया। डाकिया विभाग ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। आपको बता दें भारतीय डाक विभाग की नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना काफी अहम है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के लिए महत्वाकांक्षी योजना बताई गई है। विभाग ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें आप कॉल करके उसको बुला सकते हैं और अपना सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपनी बेटी के लिए खोल सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों 9454838599 ये हेल्पलाइन नंबर है लखनऊ जीपीओ का। और लखनऊ मंडल के लिए आपको नंबर 7307069850 पर संपर्क आपको करना होगा। हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। ऐसे ही अन्य जगहों का भी नंबर जारी किया गया है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, आप इसको समझे। दरअसल आपको बता दें इसके तहत एक साल में कम से कम 250 रुपए आपको जमा करना होता है और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। यह राशि खाता धारकों को 15 साल तक जमा करनी होती है। आपको बता दें नारी सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी योजना में से ये एक है। आपको बता दें इसके लिए आप पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आपको ज्यादा ब्याज दर पर पैसा मिल रहा है। यानी जितना रुपए जमा कर रहे हैं उसमें आपको 6.90 तक का परसेंटेज का ब्याज मिलेगा जो आपकी बेटी के भविष्य में काम आएगा। तो यूपी वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए। आज से पूरे यूपी में मौसम रहेगा साफ, बढ़ेगी गर्मी, बढ़ेगा पारा, जाने कब तक होगी बारिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में काफी समय से बारिश लगातार हो रही थी। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक बुधवार को राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है और आपको बता दें गुरुवार शुक्रवार को भी ऐसा ही निर्देश सामने आ रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि 3 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर बारिश या गरज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट था वेदर का। फिलहाल आप किस जिले से हैं ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसी प्रकार से सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।